18 टन बीफ से भरी गाड़ियों को श्रीराम सेना के लोगों ने रोका, एक गाड़ी को लगाई आग। पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर 22 लोगों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के दोडा बल्लापुर की घटना। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कर्नाटक के बेंगलुरु से बिल्कुल लगे हुए दोडा बल्लापुर से एक दिन पहले एक बेहद खतरनाक खबर सामने आई है। अवैध तरीके से बीफ की स्मगलिंग या तस्करी करने का मामला उजागर हुआ और ये पूरा काम जो है कर्नाटक में कार्यरत रहने वाली श्रीराम सेना के लोगों ने दोडा बल्लापुर सिटी के पास ये तमाम गाड़ियां रोकी। उन्हें इसकी खबर मिली थी और खबर मिलने के बाद इन गाड़ियों को रोकने के बाद श्रीराम सेना के जितने भी यहाँ पर गौरक्षक कार्यकर्ता थे, इन्होंने एक गाड़ी को आग भी लगा दी। वहीं जितने भी गाड़ियों में लोग थे सबको उतारकर सड़क पर बिठाया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई और कटे हुए जानवरों के अवशेष जो है या उनकी गर्दनें मुंडियां जो है उनको सर पर भी रखवाई गई, साथ ही नारेबाजी भी गई। सूचना मिलते ही पुलिस यहां पहुंची, पुलिस ने जो है स्थिति को नियंत्रित किया, पूरा मामला अपने हाथ में लिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। लगभग 18 टन बीफ जो है गोमांस ये तस्करी करने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ को स्लॉटरिंग एक्ट के तहत और 153A के तहत श्रीराम सेना के लोगों के खिलाफ दर्ज। उस एफआईआर में 7 लोग जो है बीफ ट्रांसपोर्टेशन के आरोप में गिरफ्तार हैं। वहीं इनके साथ मारपीट करना, रक्कस फैलाना, इसके तहत 153A धार्मिक भावना को आहत करने के साथ ये मामला श्रीराम सेना के 15 लोगों के खिलाफ दर्ज करते हुए उन्हें भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इस घटना का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल करने के चलते आईटी एक्ट के तहत आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एक मामला दर्ज किया है, मगर इसमें अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। ये पूरी घटना का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये पूरी घटना यहां घटी है कर्नाटक के दोडा बल्लारपुर में। श्रीराम सेना के लोगों का आरोप है कि आंध्र प्रदेश से बड़े पैमाने पर बीफ ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, अवैध गोमांस तस्करी की जाती है। बेंगलुरु के आसपास के दोडा बल्लापुर, चिकाबल्लापुर और बेंगलुरु के जो जुड़े हुए अन्य जिले हैं वहां पर ये बड़े पैमाने पर तस्करी आंध्र के हिंदूपुर से की जाती है, ऐसा उनका कहना है। जय श्री राम। भारत बदल के, श्री राम सेना के, बदल के।